हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक और वीडियो में। हमारी कंपनी लेके आ गई है शुगर केन मशीन, ऐसी शुगर केन की मशीन लेके आ गई है जिसके अंदर हर तरीके का जूस और हर तरीके का जूस का बिजनेस आप कर सकते हैं। ये पूरी कोरियन बेज स्टेनलेस स्टील से बनी हुई पीएलसी प्रोग्रामिंग टच स्क्रीन से बनी हुई मशीन है जिसमें आप बहुत प्रकार के अलग अलग जूसेस जो बना सकते हैं और ये मशीन इन्वर्टर बैटरी के माध्यम से चलेगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टील का पूरा छत दिया हुआ है और यहाँ पर जो है 8 लाइट्स दी हुई है जो टच स्क्रीन से आपका ऑपरेट हो जाएगा। मशीन में यहाँ पर जो है पूरा कोरियन जो है लगा के दिया हुआ है, कोरियन फिनिश बोलते हैं इसको। कोरियन की शीट आती है जिसको ऊपर लगाया गया है स्टील की शीट के ऊपर, और यहाँ पर जो है पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील की बनाई गई है और यहाँ आपको वेस्ट बाउल दिया जाता है बहुत बड़ा। ये मशीन का साइड लुक आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है एक ऑरेंज जूसर मशीन लगा हुआ है जिसके अंदर आप ऑरेंज का, मौसम्बी का और पाइनएप्पल का तीन तरह का अलग अलग जूसेस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बटन ऑन करने से ऑन हो जाता है। यहाँ पर जो है उसकी एक लाइट्स का बोर्ड दिया हुआ है। यहाँ पर जो है वो नारियल पानी का निकाल सकते हो, नारियल को यहाँ से जो है होल कर सकते हो, इसका पानी यहाँ पर डाल के चिल्ड पानी ले सकते हो और उसको कटिंग करके ग्राहक को मलाई भी दे सकते हैं आप उसमें से। मशीन के अंदर अदरक लींबू पुदीना के लिए भी यहाँ पर कंटेनर्स दिए, टोटल 6 कंटेनर्स दिए हुए हैं कंपनी ने। आप देख सकते हो पूरा टच स्क्रीन से ऑपरेट होने वाला मशीन है ये। यहाँ पे क्रशर हम ऑन कर रहे हैं और ये लाइट ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ऑन ऑफ हो रही है। यहाँ पर जो है मशीन का कॉम्प्रेसर सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर जो है आपको कोकोनट और गन्ना रखने के लिए यहाँ पर स्पेस दिया जा रहा है, यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी के लिए जिज्ञा दी गई है, इन्वर्टर बैटरी यहाँ पर रखे हुए आप देख सकते हैं, और ये जो है यहाँ पर फ्रिज दिया हुआ है। आप फ्रिज के अंदर भी बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह स्टॉक कर सकते हैं। कितना बढ़िया फ्रिज दिया हुआ है, बहुत ही डीप, अच्छा डीप वाला फ्रिज है आप देख सकते हो। और ये मशीन का लेफ्ट साइड है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वेंटिलेशन एरिया दिया गया है और 2 ड्रेनेज दी गई है और 1 पानी के लिए दिया गया है। अभी इसमें से हम पानी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लीनिंग करने के लिए ये पाइप को आप पानी में डाल देंगे तो पानी निकलेगा इसमें से क्लीनिंग के लिए। देखिए कितने सारे टैप दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है आपका क्लीनिंग वाटर निकलेगा, पानी, यहाँ पर जो है आपका गन्ने का जूस निकलेगा, यहाँ पर जो है आपका फुदीना निकलेगा, यहाँ पर आपका आलू निकलेगा, जिंजर, यहाँ पे लेमन टॉपिंग निकलेगा, यहाँ पे नारियल पानी निकलेगा आपका, उसके बाद पाइनएप्पल निकलेगा, मौसम्बी निकलेगा, और एक एक्स्ट्रा टैप भी दिया गया है जिसके अंदर से आप किसी भी प्रकार का जूस निकाल सकते हैं टॉपिंग्स अलग से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर आप देख सकते हो 9 अलग अलग टैप दिए गए हैं। पूरा लेजर कटिंग ट्रे दिया गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कटिंग किया हुआ है। स्टेनलेस स्टील 304 मटेरियल में बनाया गया है। यहाँ पर भी स्टेनलेस स्टील 304 की 2-2 ट्रे कंपनी ने दी हुई है। यहाँ पर भी कंपनी ने कोरियन फिनिश किया हुआ है, आप देख सकते हो सब जगह पर। और यहाँ पर नारियल के लिए, कोकोनट के लिए कितना बढ़िया जो है वो सिस्टम दिया हुआ है कंपनी ने, देख सकते हैं आप। हैंडल कितना हैवी दिया हुआ है देखिए आप, कटिंग के लिए कितना शार्प दिया हुआ है ऑल करने के लिए। और ये हैवी ड्यूटी क्वालिटी ऑरेंज जूसर मशीन है। यहाँ से ऑरेंज डालना रहता है, यहाँ से उसका वेस्ट निकलेगा। ये मशीन का साइड लुक है। आप देख सकते हो अलग अलग डिफरेंट फ्रूट्स जो है आप उसका जूस निकाल सकते हैं। मौसम्बी है, पाइनएप्पल्स है, कोकोनट्स है, अदरक लींबू पुदीना है। देखिए आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ना तार लगी हुई है, ना वायर लगी हुई है, ना किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी अभी मशीन को मिल रहा है। चारों साइड से इस मशीन को देख सकते हैं हम, किसी भी प्रकार से इतनी बड़ी मशीन को किसी भी प्रकार का पावर दिया नहीं गया है। देखिए आप देख सकते हो कहां से मिल रहा है इसको पावर, वीडियो में दिखाएंगे आपको आगे कि इस मशीन को किस तरीके से पावर मिल रहा है
या कैसे चल रही है बिना बिजली के, आठ आठ लाइट चल रही है, इतना बड़ा डिस्प्ले चल रहा है, ये मशीन का क्रशर चल रहा है, यहाँ पर जो है ऑरेंज जूसर मशीन चल रही है, इतनी सारी मशीनरीज कैसे चल रही है आखिर, तो वीडियो में आगे जानिए। दोस्तों ये मशीन इन्वर्टर बैटरी से चलेगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी लगाया हुआ है, पूरा ही मशीन कॉम्प्रेशर फ्रिज सभी चीज़ों के साथ जो है वो इन्वर्टर बैटरी से चल रहा है। देखिए आप यहाँ पर जो है कंपनी ने इन्वर्टर लगाया हुआ है, माइक्रोटेक कंपनी का, ये माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी बड़ी बैटरियाँ लगी हुई है, 200-200 एम्पियर की दो बैटरी लगी हुई है आप देख सकते हो, यानी आपको बढ़िया सा बैकअप मिलने वाला है इस मशीन से। और ये इन्वर्टर है इतना बड़ा, देखिए कितना बड़ा इन्वर्टर है, उसको चार्जिंग में लगाने के लिए इस टाइप का एक्सटेंशन बोर्ड ले लीजिए आप, और बस इसके और प्लग को लगा देना है आपको, ऐसे लगाने के बाद ये स्विच को ऑन कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये स्विच को ऑन कर देना है, ठीक है। अभी आपका देखिए लिखा हुआ हो गया चार्जिंग, और आपका कॉम्प्रेसर सिस्टम वगैरह भी ऑन है, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये मशीन का कॉम्प्रेसर है, यहाँ पर कॉम्प्रेसर सिस्टम जो है वो चल रहा है, फैन चल रहा है, ये इन्वर्टर बैटरी के माध्यम से सारी चीजें चल रही है फ्रेंड। ये देखिए पूरा इस तरीके से लॉक हो जाएगा, और सभी का यूनिक चाबी है और उसका यूनिक नंबर है, एक चाबी दूसरी जगह पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लॉक सिस्टम डाले हुए हैं, कंप्यूटर की बोलते हैं इसको, वो डाली है कंपनी ने इस मशीन में। और यहाँ पर इस तरीके से पूरा स्टेनलेस स्टील का पाइपिंग में बनाया हुआ पूरा डोर है, तभी हम इसको चार्जिंग में लगा रहे हैं। ये देखिए इतना बड़ा स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर जो है आप नारियल रख सकते हैं स्टॉक के, और आप यहाँ पर जो है वो शुगर कैन स्टिक भी रख सकते हैं बहुत सारी। अगर आप सिर्फ शुगर कैन स्टिक रखेंगे तो 200 किलो 200 kg शुगर कैन स्टिक का केवल स्टॉक हो सकता है। आप देखिए मैंने नारियल रख दिए यहाँ पर, ये नारियल रख सकते हैं आप। और ये पूरी मशीन जो है पूरी टच स्क्रीन से ऑपरेट होती है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जो है सभी चीजों के लिए जो है ग्राफिक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं लाइट पे ऑन करूंगा, देखिए ऑन पे टच करूंगा ये अभी लाइट सारी ऑन हो जाएगी आप देखना। ये देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन किया मैंने, आठों आठ लाइट स्टार्ट हो गई, आठ स्पॉट्स लाइट्स कंपनी ने लगाई है ऊपर। जैसे मैंने लाइट को ऑन पे टच किया तो ऑन हो गई, अभी मैं ऑफ पे टच कर रहा हूँ ये, तो ये ऑफ हो रही है, देखिए ये ऑन ये ऑफ ये ऑन ये ऑफ, कितना फास्ट टच रिस्पॉन्स है। ये पीएलसी प्रोग्रामिंग सिस्टम वाली वर्ल्ड की नंबर वन शुगर कैन मशीन है, जो ऑल इन वन जूस शॉप है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर जो है वो क्रशर दिया हुआ है, तो ये क्रशर को मैं ऑन भी कर सकता हूँ और ऑफ भी कर सकता हूँ, देखेंगे यहाँ पर कि मैं ऑन का बटन दबा रहा हूँ, ऑन हो गया, देखिए आपको इसे मैं दिखाता हूँ इसको खोल के, देखिए तो इसका क्रशर जो है वो यहाँ से ही ऑफ हो जा रहा है, और मैं टच कर रहा हूँ ये क्रशर ऑफ हो गया। देखिए दोस्तों ये मैं टच कर रहा हूँ ये क्रशर ऑन हो गया, तो जहाँ पर ऑन और ऑफ हम करेंगे यहाँ पर टच, तो तुरंत रिस्पॉन्स करके मशीन जो है उस हिसाब से जो है रिस्पॉन्स करेगी। देखिए मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, इसमें हम शुगर कैन स्टिक डाल सकते हैं, कंप्रेसर सिस्टम भी ऑन है जिसका सब जीरो डिजिटल ऑपरेटिंग कटआउट सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए इसको क्लीनिंग बहुत ही इजी है इस मशीन का, इस तरीके से इसको क्लीन कर लेना है, देखिए अभी ये सारा डस्ट वगैरह जो है वो जा रहा है आप देख सकते हो, कितना इजी क्लीनिंग प्रोसेस है। और जब इतना याद रखना है कि जब हम क्लीनिंग पे लेंगे तब इसको हम यहाँ से रिवर्स मोड पे ले लेंगे, ठीक है, अभी मैं रिवर्स मोड पे ले रहा हूँ, देखिए, और यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ और ये ब्रश को ऐसे मैं फिरा रहा हूँ। देखिए इसका क्लीनिंग बहुत ही इजी है, एकदम इजी क्लीनिंग है, पानी डाल दीजिए यहाँ पे, देखिए पानी निकल जाएगा और उस टाइम पे मशीन को ऑन कर सकते हैं हम। ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है, और ये मशीन जो है वो क्लीन हो चुकी है, तो क्लीनिंग डन। देखिए यहाँ पे हमने पुदीना टॉपिंग डाल दिया है, यहाँ पे हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक, जिंजर टॉपिंग है ये, आदू भी बोलते हैं, अदरक भी बोलते हैं, ये हमने डाल दिया है यहाँ पर, और यहाँ से हम जैसे ही निकालेंगे वो आ जाएगा, लाइन से ही दिया हुआ है सारी प्रोडक्ट को, पहले मिंट दिया हुआ है, फिर जिंजर दिया हुआ है, उसके बाद हम डालेंगे लेमन, ये देखिए हमने लेमन टॉपिंग डाल दिया यहाँ पर,
ठीक है। तो ये तीनों चीजें आ गई है। अब ये कंटेनर को आप ढक देंगे इस तरीके से। अब ये ठंडा होके ये टॉपिंग्स भी ठंडे होके आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तीनों तीन नल में। यहाँ पर देखिए इतने सारे टैब दिए हुए कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट के। तो ये 1, 2 और 3, ये मिंट है, पुदीना बोलते हैं इसको, जिंजर है यानी कि इसको आदू बोलते हैं, और ये नींबू है जिसको लेमन बोलते हैं। तो ये तीनों टॉपिंग्स ऊपर डालने के लिए रेडी है। अब हम इसमें जूस बना के डालेंगे आगे। देखिए शुगर केन स्टिक इस तरीके का आपको मिलेगा बाजार में, लेकिन उसको क्लीन करने के लिए हमारे पास है शुगर केन पीलिंग मशीन। ये देख रहे हैं आप, जितना भी खराब है आप यहाँ देखेंगे, इसका पूरा डस्ट वगैरह जो है पूरा निकल के एकदम साफ सुथरा मिलने का आ जाएगा, यहाँ एकदम क्लीन हो चुका है। तो देखिए ये है शुगर केन स्टिक जिसको हम मशीन में डालेंगे, यहाँ पे सिर्फ टच करेंगे और ये क्रशर ऑन हो गया है हमारा, और रख देना है, धक्का भी नहीं मारना है आपको, सिर्फ गन्ने को रख देना है और आपका गन्ने का फ्रेश जूस जो है वो इंस्टेंट ही चिल्ड होके आपको मिल जाएगा। यहाँ से गन्ना लेना है और यहाँ पे सिर्फ रखना है। देखिए एक बार हमने टच किया है और 200 ml सेट किया है, तो 200 ml आ रहा है, देख सकते हो आप कितना चिल्ड और ठंडा जूस आ रहा है इंस्टेंट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम ठंडा जूस है। टेस्ट करके बताएंगे। अब इसके अंदर अगर टॉपिंग डालना है हमको अदरक नींबू पुदीने का, तो हम इसमें डाल सकते हैं, कस्टमर से चार्ज ले सकते हैं। जैसे इसमें मुझे पसंद है मिंट, तो मैं लूंगा यहाँ पे मिंट टॉपिंग, ये मैंने ले लिया है, देखिए इसमें आ गया है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लास, कॉस्टिंग है 5 रुपए, सेलिंग प्राइस है 25 रुपए। इसमें भी पुदीने का, आदू का, लाइम का भी ले सकते हैं अगर टॉपिंग। अभी कोई ग्राहक आपको बोलता है कि मुझे नींबू भी डाल के दो, तो ये नींबू डाल के देना है। देखिए मैं वन टाइम टच कर रहा हूं और ये जूस जो है बॉटल में भरा रहा है, आप देख सकते हो एक ही बार टच करने से। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे पुदीना टॉपिंग डाल के दो, देखिए मैं डाल रहा हूँ, देखिए ये डाल दिया है मैंने पुदीना टॉपिंग के साथ, कलर चेंज हो चुका है आप देख सकते हो। ये बोतल की कॉस्टिंग आपको पड़ने वाली है 14 रुपए की और सेल हो जाएगा इजीली 35 रुपए में, देखिए। और ये वाला कलर पूरा दिन ऐसा रहेगा, सुबह से लेके शाम तक टेस्ट चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि हाइजेनिक और फ्रेश गन्ने का जूस हमने इसमें डाला है। देखिए कोई कस्टमर आपको बोल रहा है कि उसको आदू चाहिए, तो ये आदू टॉपिंग है, ये देखिए आ गया है। अगर कोई कस्टमर है जिसको जिंजर चाहिए, तो ये जिंजर टॉपिंग है। कोई कस्टमर है उसको लेमन चाहिए, तो लेमन टॉपिंग है। ये तीनों टॉपिंग डालने के बाद ही आप यहाँ से जूस भर सकते हो। अब ये बोतल सेल होने वाली है इजीली 35 रुपए में, घर में कॉस्टिंग पड़ने वाला है 14 रुपए। देखिए इसमें मैं डाल रहा हूं ओनली पुदीना टॉपिंग, इसमें मैं डाल रहा हूं जिंजर टॉपिंग, और इसमें मैं डाल रहा हूं लेमन। देखिए इसमें तीनों प्रकार के टॉपिंग डाले हुए हैं, पुदीना, जिंजर और नींबू। तीनों तरीके के जूस जो है इसके अंदर आ चुके हैं। जैसे कि एक के अंदर जो है वो शुगर केन विथ लाइम है, एक के अंदर शुगर केन विथ मिंट है, और एक के अंदर शुगर केन विथ जिंजर है, और तीनों फ्लेवर को एक के अंदर भी हम डाल सकते हैं और बहुत ही बढ़िया यूनिक टेस्ट लगने वाला है। जैसे हमारे यहाँ पर गुजरात में चलता है आदू नींबू और पुदीना की भरपूर ताजो श्रेणी और रस, तो यही वो चीज है जो एकदम हाइजेनिक और यूनिक तरीके से 2023 की सबसे कामयाब मशीन हमारी कंपनी लेके आ गई है। और फ्रेंड्स
इस मशीन के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसको सेम शेप की बॉटल्स के अंदर आप दे सकते हैं। जैसे कि ऑरेंज है तो ऑरेंज शेप की बॉटल के अंदर ऑरेंज के जूस को भर के दिया जा सकता है दोस्तों। जी हाँ, आप देख सकते हो ये पूरा वेस्ट एरिया है और यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़िया क्रशिंग हुआ है, एक ही बार में पूरा जूस निकल जाता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मशीन है, आप रिजल्ट देख सकते हो किसी भी कचरे को उठा के, जिसके अंदर वन टाइम के अंदर ही पूरा क्रशिंग हो गया है, एक ही बार में पूरा जूस निकल जाता है गन्ने का। देखिए आप फ्रेंड्स, किसी भी कचरे को उठा लीजिए, एक ही बार डाला गया है। लोग मुझे बोलते हैं सलमान भाई दोबारा डाल के दिखाना, क्या मैं डालूंगा इसमें से क्या निकलेगा, आप देखिए ड्राई हो चुका है, ड्राई प्रोडक्ट में से क्या निकलेगा। फिर भी आपको चलिए दोबारा डाल के दिखाएंगे इसको, ताकि आपको पता चले कि इसमें जूस निकलता है कि नहीं। देखिए इसको हम दोबारा डाल रहे हैं, देख लिए हमने दोबारा डाल के दिखा दिया आपको, क्योंकि अमुक व्यूअर्स हमारा कमेंट करते हैं कि दोबारा डाल के दिखाइए, तो मैंने दोबारा डाल के दिखा दिया है। कुछ भी नहीं निकला है आपके सामने ही, बस आपकी मशीन जो है उसका पावर वेस्ट हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब हम निकालेंगे पाइनएप्पल जूस। ये पाइनएप्पल है, इसको हम ऐसे लेंगे और ऐसे कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये कटिंग हो गया है, इसको भी लेंगे, इसको भी कटिंग कर दिया हमने, ठीक है। और अभी ऐसे करना है, देखिए देखिए कितना बढ़िया टुकड़ा हो गया है इसका, फिर इसको ऐसे करना है। देखिए अब यहाँ पर इसको हम कटिंग कर रहे हैं, कितना इजीली कटिंग हो रहा है आप देख सकते हो। फिर इसको ऐसे, और ये आप देख सकते हो नीचे कोरियन का काम किया हुआ है, इसके बावजूद कितना बढ़िया कोरियन है कि उसके ऊपर ही मैं कटिंग कर रहा हूँ और कितना अच्छे से वो ऑपरेट हो रहा है। देखिए आपके सामने पाइनएप्पल के टुकड़े कटिंग हो गए हैं। यहाँ पे से मैं स्विच ऑन करूंगा, स्विच मैंने ऑन किया, यहाँ पे इसको डाला टुकड़े को, देखिए अभी इसको हमने प्रेस किया, देखिए यहाँ पे जूस आना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, जूस जैसे हमने यहाँ पे प्रेस किया ऐसे जूस आना स्टार्ट हो गया। देखिए जूस आ रहा है, पाइनएप्पल का जूस, तो पाइनएप्पल मैं ऊपर से डाल रहा हूँ जैसे उसका जूस निकल रहा है, और यहाँ पे उसका वेस्ट भी निकलना स्टार्ट हो गया, देख सकते हो आप ये वेस्ट निकल रहा है। ये इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, प्रॉपर पाइनएप्पल का जूस है, आप देख सकते हो। तो अब हमारा जूस जो है वो तैयार हो गया है, पाइनएप्पल जूस। देखिए पाइनएप्पल का जूस अभी वन ग्लास का कॉस्टिंग जाएगा अप्रोक्स 30 रुपए में, आप सेल कर सकते हो इजीली 60 रुपए में। रेडी पाइनएप्पल जूस। हम निकालने वाले ऑरेंज और माल्टा का जूस, ये हमने डाला है यहां पर, देखिए कितना अच्छा ऑरेंज जूस आ चुका है। अब इसको हम डालेंगे वाले कंटेनर में, तो देखिए अब हम यहां पर सिर्फ टच करेंगे और यहां पर वो ठंडा चिल्ड ऑरेंज जूस निकलने वाला है। देखिए कितना परफेक्ट ग्लास जो है, जितना एमएल हमने सेट किया उतना एमएल आ चुका है, और ये चिल्ड भी हो चुका है नॉर्मल, ठीक है। तो इस टाइप की इंस्टेंट चिलिंग वाली और इंस्टेंट बूस्टर सिस्टम वाली बहुत ही कामयाब मशीन है ये कंपनी ने जो बनाई है। अब ये ग्लास को इजीली आप 60 रुपए में बेच सकते हो, जिसका कॉस्टिंग आपको पड़ेगा 20 से 25 रुपए। रियल फ्रेश बिना मिलावट के ठंडा हाइजेनिक फ्रेश जूस। तो चलिए अब हम डालेंगे इसके अंदर मौसम्बी। तो ये मशीन को हमने ऑन किया और आप देखिए यहाँ पे विदाउट फिल्टर जो हम इसके अंदर जूस डालेंगे, फिर डायरेक्ट हम इसको फिल्टर करेंगे। ये रिजल्ट देख सकते हो आप, इसमें कुछ जूस नहीं बचा है, सिर्फ कचरा ही आ रहा है। अब इसको यहां पर रखना है छन्नी को, और ये जूस को जो है यहां पर डाल देना है, देखिए इस तरीके से। देखिए पूरा जो है जूस फिल्टर होके इसमें आ चुका है, ये देखिए ये
जूस भी आ गया है और उसका कचरा भी जो इसमें आ गया है, उसका जो गूदा रहता है वो डायरेक्ट जो लिक्विड जूस है वो अंदर आ चुका है। यहाँ पे मौसम्बी को मैं टच करूंगा, यहाँ पे मौसम्बी आएगी। हम अलग अलग ml के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी हमने इसके अंदर जो है वो 150 ml सेट किया हुआ है। आप 200 ml भी सेट कर सकते हैं, 300 ml भी सेट कर सकते हैं। पूरा सेटिंग का सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए पासवर्ड प्रोटेक्टर जो है टच स्क्रीन है, आप हमें इसका पासवर्ड जो है जो सेट करना है कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ml जो है वो हम डालेंगे, जितना ml उतने ml के हिसाब से जो है ये माल हमको डिस्पेंस कर देगा। तो ये वाली जो मशीन है उसमें आप नारियल का भी पानी जो है उसको इंस्टेंट चिल्ड कर सकते हैं और ग्राहक को फ्रेश नारियल पानी ठंडा दे सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको कोकोनट को रख देना है और फिर केवल आपको इसको ऐसे पुश ऐसे कर देना है तो सेट हो जाएगा। ये नारियल जो है फिर हिलेगा नहीं, ठीक है, अपनी जिज्ञा से। और फिर इसको ऐसे जो है नीचे करेंगे आप तो ये देखिए इसमें नारियल में होल हो रहा है और कितना ईजी तरीके से हो रहा है। मैं फ्रेश कर रहा हूँ, आप देखिए कि कितना ईजी प्रोसेस है वो देखिए। आप देखिए अब यहाँ पर जो हम पानी डाल रहे हैं नारियल का, ये पानी इसमें जा रहा है, फ्रेश वाटर आ चुका है, कोकोनट वाटर, ठीक है। क्योंकि हम दो डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक तो आपको रखना ही पड़ेगा। इस तरीके से सबसे पहले जो है वो निकाल लेना है ये डट्टी को, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख कर रहा हूँ, आप देखिए कितना ईजी जा रहा है ये। मेरे हाथ के ऊपर गौर कीजिए, ये कितना ईजी मूवमेंट हो रहा है। देखिए ये मुझे कोई प्रेस नहीं करना पड़ रहा है, एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप कि इसको मैं कितना, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको प्रेस कर सकता है। देखिए अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ और ये होल हो चुका है, देखिए पूरा कितना इजी तरीके से होल हुआ है। आप देखिए कितना बेहतरीन होल हो गया है, देखिए आप देखिए। इस तरह पानी डालना है, आप इसे रख भी सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ नारियल पानी का, तो ये नारियल पानी जो है वो यहाँ पर आ रहा है देखिए, और आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से आ रहा है। मशीन में कोई भी नॉइज नहीं है और जितना ml हमने सेट किया है एग्जैक्ट उतना ही ml नारियल पानी चिल्ड आ चुका है। ये चिल्डनेस आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है चिल्डनेस तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरे ग्लास में डाल के, ये ग्लास को खाली करके, ताकि आपको पता चले कि जो ओस जम रहा है, जो ठंडक जमा है उसके ऊपर से पता चले कि ये ठंडक आप देख सकते हो कि कितना ठंडा हुआ है, ये चिल्ड हो चुका है नारियल पानी, ठंडा नारियल पानी है। इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। एकदम नेचुरल जो नारियल पानी हमारा होता है वही नारियल पानी है, ये ठंडा है और चिल्डनेस हम बढ़ा भी सकते हैं और फ्रेश है। तो ये हुआ हमारा कोकोनट वाटर। तो आप भी खरीदिए ऐसी कामयाब क्वालिटी की ऑल इन वन मशीन जो बैटरी इन्वर्टर के ऊपर चलने वाली है, क्योंकि ये कस्टमर जो है हमारे छोटा हाथी में लगाने वाले इस मशीन को, जो पंजाब के अंदर जानी है दोस्तों। तो आप भी खरीद सकते हो ऐसी बेस्ट क्वालिटी की कामयाब क्वालिटी की गन्ने की मशीन। हमारी कंपनी 20 तरीके की शुगर केन की मशीनें खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, हमारी खुद की फैक्ट्री है जहां पर इस मशीनों को हम बनाते हैं दोस्तों। तो आप भी खरीदिए ऐसी बेस्ट क्वालिटी की मशीन, मुझे दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। हमारी कंपनी का कॉल सेंटर डिपार्टमेंट सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑन रहता है। इस टाइप की बेस्ट क्वालिटी की मशीनों की जानकारी के लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो एसएस 16 मशीन, और ज्यादा जानकारी और डिटेल्स के लिए कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस 16 मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू।